हिंदू धर्म के अनुसार तीज त्योहार तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं और सनातन धर्म में छोटे से छोटे त्योहार की महत्ता अधिक होती है। 26 मई 2021 बुधवार को वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन वैशाख मास का समापन होगा। पूर्णिमा की तिथि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन बहुत विशेष घटना और पर्व भी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा क्या है? वैशाख मास की पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन की जाने वाली पूजा का विशेष पुण्य जीवन में प्राप्त होता है, इसलिए इसे एक पवित्र तिथि के तौर पर भी देखा जाता है। इस दिन पूजा के साथ साथ व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा पर लग रहा चंद्र ग्रहण। 26 मई बुधवार को पूर्णिमा की तिथि को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस ग्रहण को साल 2021 का पहला ग्रहण बताया गया है, जो चंद्र ग्रहण के रूप में लग रहा है। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। भारत में इसे उपछाया ग्रहण माना जा रहा है, इसलिए इसमें सूतक नियम प्रभावी नहीं होंगे। बुद्ध पूर्णिमा कब है? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इस कारण इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ और समापन कब? वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 25 मई मंगलवार को रात 8:29 पर होगा और 26 मई बुधवार को शाम 4:43 पर तिथि का समापन होगा। पूर्णिमा का व्रत 26 मई को रखा जाएगा। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। पूर्णिमा की तिथि पर बनने वाले विशेष योग क्या है? पंचांग के अनुसार इस दिन दो विशेष योग का निर्माण हो रहा है। 25 मई को शिव योग रात 10:52 तक बना हुआ है और 26 मई को प्रातः 6:01 से देर रात 1:16 तक सर्वाद सिद्ध योग है और अमृत सिद्धि योग रहेगा।